पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी, इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। महाराज, यही समय है जब ढोलकपुर के लोग खेतों को बारिश के लिए तैयार करेंगे। अगर हम ढोलकपुर के तालाब में मेरा बनाया हुआ विष मिला दें, तो सारे जानवर उसे पीते ही बेहोश हो जाएंगे। तरकीब तो काफी असरदार है, मगर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी को इसकी कानो कान खबर भी हो कि ये काम हमने किया है। आप इसकी चिंता ना करें महाराज, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सिपाहियों। जी मंत्री जी। ये लो, इस थोड़े से विष से हमारा काम हो जाएगा। अब जैसा कहा है वैसा ही करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। सुंदर इंद्रधनुष दादाजी। ये कैसा जादू है? दादाजी, माफ कर दीजिए उस्ताद। कोई माफी नहीं, जल्दी खत्म करो, हमें वापस जाना है। हाँ, 21। वाह। कितना लाल है। लाल और मीठा भी, ले लो ले लो। जरूर। अब पीला। अरे ये क्या? ये तो चित्रकार चित्रकूट की तस्वीर जैसे हैं। चलो। लगता है वहाँ कुछ हुआ है, चलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या होगा भाई, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सब के सब बीमार कैसे पड़ गए? अब कहाँ जाने, मैंने तो सिर्फ तालाब का पानी पिलाया था इन्हें। लगता है इस तालाब के पानी में ही कोई गड़बड़ी है। आप लोग घबराइए नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर। क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर,
हमें कुछ करना होगा। मैं इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। ये क्या, तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है? कुछ मिलाया गया, पर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। तब तक सबको बता दो कि तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कल सुबह नहीं, उससे पहले ही शैतानपुर के सैनिक ट्रैक्टर नष्ट कर देंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? उस्ताद सही कह रहे हैं,